हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम जानने वाले हैं कि फैक्टोरियल कैसे मालूम करते हैं पाइथन प्रोग्राम में। तो उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब और बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिए ताकि इंटरेस्टिंग वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। सबसे पहले यहाँ पर आपने डिफाइन करना एक फंक्शन जिसका नाम देते हैं फैक्टोरियल, और उसके ब्रैकेट में लिखते हैं हम एन, और उसके बाद सेमी कॉलन, नहीं जस्ट कॉलन देंगे आप, यहाँ पे कॉलन देंगे। उसके बाद यहाँ पे कंडीशन रखेंगे हम इफ़ एन इक्वल्स ज़ीरो, ठीक है, यहाँ पे स्पेस देंगे पहले इफ़ एन इक्वल्स ज़ीरो, ठीक है। तो यहाँ पे आपने एफ एन इक्वल्स ज़ीरो रखना है, और उसके बाद कॉलन देंगे यहाँ पे, अगर एन ज़ीरो के बराबर आ जाता है तो यहाँ पे हमें रिटर्न करेगा वन, ठीक है। अगर एफ़ एन जो है वो इक्वल आ जाता है वन के ज़ीरो के तो रिटर्न करेगा वन, और एल्स आता है तो रिटर्न हमें करेगा, तो यहाँ पे रिटर्न करेगा पहले एन और उसके बाद तो वो मल्टीप्लाई होगा फैक्टोरियल से, और उसके बाद यहाँ पे फैक्टोरियल में जो नम था एन देंगे और उसके माइनस वन करेंगे उससे, ठीक है। तो यहाँ पे माइनस वन, और उसके बाद यहाँ पे हम लिखेंगे नम जिसमें हम इनपुट लेने वाले हैं, तो नंबर को यहाँ पे हम नम सेलेक्ट करते हैं और जिसे इक्वल रखते हैं इंट, और उसके अंदर लेंगे हम इनपुट, ठीक है। तो इनपुट और डबल कोट के अंदर हम लिखेंगे इंटर एनी नंबर, तो यहाँ पे हम इससे नंबर मांगेगा इनपुट में जो कि हम देंगे और उसका फैक्टोरियल हमें बताएगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे इंटर एनी नंबर, ठीक है, नंबर हमने यहाँ पे लिख लिया इंटर एनी नंबर, और उसके बाद यहाँ पे प्रिंट करेगा यानी शो करेगा आउटपुट, तो उसमें लिखेंगे हम प्रिंट, और उसके बाद डबल कोट में लिखेंगे यहाँ पे द फैक्टोरियल ऑफ, यहाँ पे लिखेंगे हम द फैक्टोरियल ऑफ, और उसके बाद यहाँ पे नंबर हम शो करेंगे जो कि कामा देके नम लिखना है आपको, जो कि ऊपर वेरिएबल का नाम दिया है आपने, ठीक है, नम लिखे, उसके बाद फिर से कामा देके डबल कोट में लिखेंगे इज, ठीक है, हमें पहले द फैक्टोरियल ऑफ शो करेगा और उसके बाद नंबर वो शो करेगा जो का हमने इनपुट में दिया है, उसके बाद इज और उसके बाद फैक्टोरियल हमें शो करेगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे फैक्टोरियल और उसके ब्रैकेट में हम लिखेंगे एन नम, ठीक है, नम लिखेंगे, और उसके बाद ये हमारा प्रोग्राम बन चुका है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर अब हम इसे रन कर देते हैं। तो जैसे यहाँ पे हम रन करते हैं तो इस ये हमसे नंबर मांग रहा है इंटर एनी नंबर, तो यहाँ पे नंबर देते हैं हम सपोज सिक्स, तो सिक्स का जो फैक्टोरियल आता है वो 720 आता है। इसी तरीके से हमने अगर दिया इनपुट में टू तो टू का फैक्टोरियल टू आता है। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में इतना ही, मज़ीद मिलेंगे अगले वीडियोज़ में। तो फ्रेंड्स, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ऐसे ही वीडियोज़ के लिए, और बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दें ताकि इंटरेस्टिंग वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें।